बसमीम आज का हमारा टॉपिक है मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये देखें कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग वैल्यूज़ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सो ऑन एक्स एन विद फ्रीकुनसीज एफ टू एंड सो ऑन एफ एन रिस्पेक्टिवली इज़ कैलकुलेटेड बाई द फार्मूला मीडियन इज़ इक्वल टू साइज ऑफ समेन एफ प्लस वन डिवाइडिड बाई टूथ आइटम ये जो है डिस्क्रीट का फार्मूला है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन का फार्मूला है ये फार्मूला एज़ इट इज़ है जैसे हमने अनग्रुप डाटा के लिए किया था कल के लेक्चर के लिए यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन ये क्वेश्चन को अगर हम फॉलो करें तो ये x की वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है x1, x2, x3, x4 एक्स थ्री सो ऑन xn तक यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है f1, f2 एंड सो ऑन fn तक फ़र्ज़ करें कि ये मैंने लिया है f1, f2, f3 एंड सो ऑन fn यानी एक कॉलम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हम मीडियन यूज़ करेंगे तो एक कॉलम हमें x का मिलेगा यानी ये x की वैल्यूज़ का मिलेगा और दूसरा कॉलम्स जो है वो हमें फ्रीक्वेंसीज का दिया जाएगा ये यानी ये एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर ये चेक करें कि ये नंबर ऑफ़ हेड्स दिया गया है एक्स की सूरत में फ्रीक्वेंसी दी गई है एफ़ की सूरत में इस तरह का जो डाटा हमें मिलेगा जिसमें हमें ग्रुपिंग नहीं दी गई होगी जिसमें हमें एक्स की डायरेक्ट वैल्यूज़ दी गई होंगी यानी एक सिंगल वैल्यू जो हमें एक्स की दी गई होगी इस सूरत में जो हमें क्वेश्चन दिया गया होगा या इस सूरत में जो डाटा सेट दिया गया होगा दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट डाटा ठीक है कल किसी ने मुझसे कुछ क्वेश्चन इसी तरह का किया था ग्रुप में कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिस्क्रीट डाटा है या कॉन्टीन्यूस uh, डाटा है तो इस सूरत में जो डाटा हमें गिवन होगा वो डिस्क्रीट डाटा होगा और इस सूरत में जो डाटा गिवन होगा वो कॉन्टीन्यूस डाटा होगा ये आप चेक करें कि क्लासेस में ये लिखी गई है क्लास पहली क्लास है टेन टू नाइनटीन फिर ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन थर्टी टू थर्टी नाइन एंड सो ऑन इसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया गया होगा इस तरह का जो डाटा हमें गिवन होगा जिसमें क्लासेस बनी हुई होंगी और इंटरवल्स बने हुए होंगे ये कहलाएगा कॉन्टीन्यूस डाटा अब पता चल गया है डिफरेंस क्या है कॉन्टीन्यूस में और डिस्क्रीट में ये जो है वो कॉन्टीन्यूस डाटा होगा और ये जो होगा ये डिस्क्रीट डाटा होगा अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ नंबर ऑफ़ हेड्स दिए गए हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं द फॉलोइंग टेबल शोज़ द नंबर ऑफ़ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग फाइव फेयर कॉइन्स टू हंड्रेड टाइम्स इट्स मीडियन यहाँ पर नंबर ऑफ़ हेड्स गिवन है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव के लिए फ्रीक्वेंसी में है फोरटीन फिफ्टी सिक्स सेवेंटी थर्टी एट एटीन एंड फोर यहाँ पर हमने इसको अरेंज किया एक्स की वैल्यूज़ लिखी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी सबसे पहले जब हम डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी uh, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन फाइंड करेंगे तो पहला स्टेप हमेशा हमने यही करना है कि कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड करना है ये फ्रीक्वेंसी है दूसरा जो तीसरा कॉलम हमें बने हमारा बनेगा वो है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपको पता है कि कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ फिर ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसमें ये फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं यानी फोर्टीन प्लस फिफ्टी सिक्स वो हो गया सेवेंटी ये दूसरी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी अब तीसरी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनने के लिए बनाने के लिए हम इस सेवनटी जो आंसर आया है इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू सेवेंटी यानी सेवनटी प्लस सेवनटी इज इक्वल टू वन फोर्टी फिर वन फोर्टी जो आई है इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो ये वन सेवेंटी एट एंड सो ऑन ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपने इसी तरह से कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लेना है अब चलते हैं उस फार्मूले की तरफ जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में मीडियन फ़ाइंड करने के लिए है मीडियन इज़ इक्वल टू साइज़ ऑफ़ स्मेशन एफ़ प्लस वन बाई टूथ आइटम यहाँ पर साइज़ ऑफ़ स्मेशन एफ़ हमने जब किया है वो हमारे पास टू हंड्रेड आया है प्लस वन ऐड किया है और टू से डिवाइड किया है यहाँ पर जब हमने ये सारी कैलकुलेशन की है कि टू हंड्रेड में वन ऐड करेंगे तो टू हंड्रेड एंड वन बनेगा उसको हमने जब टू से डिवाइड किया तो हमारे पास आया है ये हमारे पास आता है वन हंड्रेड पॉइंट फाइव आइटम अब वन हंड्रेड पॉइंट फाइव को हमने कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है वन हंड्रेड पॉइंट फाइव यानी हंड्रेड पॉइंट फाइव हमारा किस क्लास में लाई करेगा वो जो क्लास है हमारे पास वो हम कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर वन हंड्रेड पॉइंट फाइव करता है ये ये वाली जो लाइन मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ यहाँ पर कहीं हमारा मीडियन लाई करेगा अब 100.5 वो 70 से ग्रेटर है वो इस क्लास में तो आ नहीं सकता था 140 की क्लास में तो आ सकता है ना 100.5 इसलिए हमने इस वाली लाइन को फॉलो करना है और ये जो मैं लाइन आपको शो करवा रही हूँ ये हमारे पास बन गया है मीडियन क्लास यानी यहाँ पर हमारे पास बन गई है मीडियन क्लास और इस सूरत में एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा अब चूंकि वन हंड्रेड पॉइंट फाइव यहाँ पर लाई कर रही है तो इसके अलोंग हम देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की वैल्यू यहाँ पर चूंकि टू है इसलिए इस क्वेश्चन के लिए मीडियन हमारा आ जाएगा टू यानी हमारा आंसर आएगा मीडियन इज इक्वल टू टू एज हंड्रेड पॉइंट फिफ्थ आइटम लाइज इन द कम्यूनिटिव फ्रिक्वेंसी वन फोर्टी विच कॉरिस्पॉन्ड्स टू एक्स इज इक्वल टू टू सो मीडियन इज इक्वल टू टू यही मैंने जो अभी आपको समझाया है और जो बताया है उसके मुताबिक जो मीडियन हमारा निकला है टू ये है